चलिए मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं रिलेटिवली इजी वाला सिचुएशन एट इट्स बॉटम पॉइंट, इधर मैं इस पार्टिकल के बॉटम पॉइंट की सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं और इस जगह पर मैं इस पार्टिकल के टॉप मोस्ट पॉइंट की सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। एंड लेट मी वर्क इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। लेट मी वर्क इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। अब जब मैंने यह डिसाइड कर लिया कि मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ सर्कुलर मोशन इटसेल्फ इसी में काम करूंगा, तो सबसे पहले इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का जो कंसेप्ट मैंने सीख रखा है सीधा सबसे पहले वाले में, इस रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट कहता है कि कोई सा भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है उस पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वह लगा दी। अब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर जब मैं स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहूंगा, तो उसकी डायरेक्शन यह दिखेगी और इस जगह पर मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा हूं, उसकी डायरेक्शन ऊपर दिखेगी। इधर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली डाउन होएगा और इधर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली अप होएगा। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड भी लिख देना चाहिए, इसकी वैल्यू भी लिख देनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है या तो एम वी स्क्वायर बाय आर या होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी ओमेगा। मैं क्या लिखूं, क्या मैं इधर एम वी स्क्वायर बाय आर लिखूं? नहीं, प्रॉब्लम में वेलोसिटी के टर्म्स में बातचीत नहीं करी जा रही है, उन्हें दिया है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यदि यहां पर कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ओमेगा के टर्म्स में ही लिखना चाहिए, मुझे वेलोसिटी टर्म को अवॉइड कर देना चाहिए। मैं इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, यर इन दिस केस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यर इन दिस केस एम ओमेगा स्क्वायर आर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके अलावा वहां पर एक फोर्स और है जो हमेशा ही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एमजी, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एमजी। अब ये बनाने के बाद मैं सबसे पहले लिखता हूं एट द बॉटम पॉइंट। एट द बॉटम पॉइंट, सबसे नीचे जो पॉइंट है इसकी यदि बात करूं, इस सिचुएशन पर एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एमजी भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यह पार्टिकल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, उसमें बिल्कुल स्टेशनरी है, उसमें बिल्कुल रेस्ट पर। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली
इस रॉड के द्वारा एक फोर्स इसे ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में रॉड के द्वारा इस पार्टिकल को एक फोर्स ऐसे मिलना चाहिए एंड दिस टी वुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम जी। और इस रॉड के ऊपर टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह पार्टिकल टी से ही नीचे खींचेगा इस रॉड। इट्स ऑलवेज दिस टेंशन इन द रॉड इज ऑलवेज एलोंगेटिव। ये जो टेंशन है ये एलोंगेटिव टेंशन है, टेंशन उस रॉड को खींचने की कोशिश करेगा, एलोंगेट करने की कोशिश करेगा, और वो एलोंगेट नहीं कर पाएगा। यह रॉड जो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है उसको यह मास नीचे की तरफ खींचेगा। हियर एट द बॉटम पॉइंट टेंशन इन द रॉड इज ऑलवेज एलोंगेटेड। इस रॉड के अंदर जो टेंशन है वो हमेशा एलोंगेटेड है। एलोंगेटेड टेंशन मीन्स जो उस रॉड को खींचने की, उसको एलोंगेट करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर आर भी नीचे की तरफ, एम जी भी नीचे की तरफ। और वो जो टेंशन होएगा उसका मैग्नीट्यूड मैंने इधर लिख दिया। अब द मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन इज एट इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट। मोस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर पॉइंट है, इस सिचुएशन में देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर तो ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे की तरफ। अब इस सिचुएशन में दो केस बन सकते, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ज्यादा होगा या एम जी ज्यादा होगा। मैं इन दोनों केसेस को इसे मैं साफ कर देता हूं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो मैंने ऑलरेडी वहां पर दे दिया है। केस वन, इफ एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन एम जी, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन एम जी हो, मतलब कुछ ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा हो, ओमेगा ज्यादा हो, और ओमेगा के ज्यादा हो जाने से एम ओमेगा स्क्वायर आर ज्यादा हो गया और एम जी कम हो गया। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में यह रॉड इस तरह से एक डाउनवर्ड फोर्स लगाने लगेगी, और ऐसी कंडीशन में जो टेंशन होएगा दैट वुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी। यह टेंशन हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में यह पार्टिकल भी इस रॉड को टू एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन
सी से ऊपर खींचने लगेगा, तो रॉड एलोंगेटिव हो जाएगी। इस केस में भी रॉड एलोंगेट होने की टेंडेंसी रखेगी, पार्टिकल उसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। हम कहते हैं टेंशन इन द रॉड इज एलोंगेटिव। इन दिस केस, इस केस में जो रॉड पर जो टेंशन होगा वो एलोंगेटिव होगा, वो रॉड एलोंगेट होने की टेंडेंसी दिखाएगी। व्हाई? अब मैं केस टू लिखता हूं इधर, केस टू एट टॉप मोस्ट पॉइंट। केस टू इज इफ m omega square r is less than mg, mg ज्यादा हो। m omega square r less than mg कैसे हुआ होगा? क्योंकि omega कम है, rod को कोई बहुत ज्यादा तेजी से नहीं घुमाया जा रहा, धीरे धीरे। देखिए एक होता है कि आप rod को बहुत तेजी से घुमा रहे हो, बहुत तेजी से इस तरह घुमा रहे हो, और एक होता है कि आप rod को बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे घुमा रहे हो। जब आपने ओमेगा को कम कर दिया तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कम हो गया, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर एमजी से कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? एमजी इस पार्टिकल को गिराने की कोशिश करेगा और रॉड उसको संभाले रखने की कोशिश करेगी, रॉड उसके ऊपर टेंशन टी ऊपर लगाने लगेगी। रॉड उसके ऊपर एक टेंशन टी ऊपर की तरफ लगाने लगेगी उसको संभाले रखने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट। एंड इन दैट केस दिस टेंशन टी, इसकी जो वैल्यू होगी would be equal to mg जो कि ज्यादा है minus m omega square r। यह टेंशन टी होगी और रॉड उस पार्टिकल पर टी से ऊपर फोर्स लगा रही है। to every action equal opposite reaction, पार्टिकल उस रॉड पर टी से ही नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और वो रॉड इस केस में कंप्रेस होएगी। टेंशन इन द रॉड इज कंप्रेसिव इन दिस केस। टेंशन इन द रॉड इज कंप्रेसिव। In this case, इस केस में रॉड कंप्रेस होगी बॉटम पॉइंट पर, तो फिक्स एक ही केस बन रहा है, मगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वहां पर हमें सिचुएशन को देखना पड़ेगा। दिस इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर या तो आप टेंशन लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एमजी, या फिर लिखोगे एमजी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दैट डिपेंड्स कि क्या चीज ज्यादा हो जाती है। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन, ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम एंड लर्न दिस एनालिसिस। अब मैं फर्दर वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझाता हूं। अभी जो मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल लिया था, दैट वॉज टाइड थ्रू अ लाइट रिजिड रॉड। एक लाइट रिजिड रॉड ले ली थी मैंने, और इस लाइट रिजिड रॉड से एक पार्टिकल बंधा हुआ था जो सर्कुलर मोशन कर रहा था। इस
इस केस में रॉड कंप्रेस भी हो सकती है, एलोंगेट भी हो सकती है, उसके अंदर टेंशन आ सकता है, और वहां पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर सकता है। अब इसके बाद जो मैं अगली सिचुएशन ले रहा हूं, दैट इज अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इट्स टाइड थ्रू अ थ्रेड अ फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। देखिए सिचुएशन, अ लाइट फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। एक तरफ फिक्स है, लेंथ इसकी L है, इट्स फिक्स्ड एट वन एंड एंड टाइड विद अ पार्टिकल ऑन अनदर एंड। इट्स फिक्स्ड वन एंड एंड टाइड विद अ पार्टिकल ऑन अनदर एंड। लिख देता हूं, फिक्स्ड एट वन एंड एंड अ पार्टिकल टाइड ऑन इट्स अदर एंड। एक पार्टिकल इसके दूसरे सिरे से बंधा हुआ, दिस पार्टिकल इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन ऑन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पर यह सर्कुलर मोशन कर रहा। अब सबसे पहली बात, What do you mean by a light thread? Light thread का मतलब क्या है? Light means it have got negligible mass. You may treat it as massless. Flexible. Flexible मतलब क्या है? यह किसी भी तरह से deform हो सकता है, बहुत flexible है। इस thread में tension हमेशा इसकी length के along ही होएगा, और यदि टेंशन जीरो हो जाए तो यह स्लैक कर जाएगा। रॉड में यदि टेंशन जीरो हो जाए तो रॉड स्लैक नहीं करेगी, वो अपनी लेंथ अपना शेप बनाए रखेगी। इसमें जब मैंने रॉड को ऐसे लटका दिया तो इस पूरी रॉड में जो टेंशन है वो एलोंगेटेड है, और यदि मैंने इस रॉड को ऐसे होल्ड कर लिया तो इस पूरी रॉड में जो टेंशन है वो कंप्रेसिव है। अब इसके ऊपर वाले पार्टिकल नीचे वाले सभी पार्टिकल को दबा रहे, और ऐसी स्थिति में इसके नीचे वाले सारे पार्टिकल बाकी सारे पार्टिकल को खींच रहे। ऐसी स्थिति में ये रॉड तनी हुई है और ऐसी स्थिति में रॉड दबी हुई, मगर थ्रेड के
पास ऐसा नहीं होता है, थ्रेड का शेप। यदि उसमें टेंशन होगा तो तला हुआ रहेगा, यदि टेंशन नहीं होगा तो स्नैप पड़ जाएगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाने के बाद फिर ऐसे चले जाए और ऐसे ये धागा स्नैप हो जाए। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए इसमें कंडीशन बनेगी, यदि वो कंडीशन मीट नहीं होती है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं। सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए इसमें कुछ कंडीशन होना ही होगी, क्योंकि यह फ्लेक्सिबल थ्रेड है। एंड व्हाट डू यू मीन द इनएक्सटेंसिबल? इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का मतलब है कि इसमें आप टेंशन चाहे जितना लगा लो, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एक्सटेंड नहीं होगी। इट्स इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, यू मे अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ टेंशन बट देयर वोंट बी एनी एलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ दैट थ्रेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल। ध्यान रहे, जेई के सिलेबस में जहां कहीं पर भी थ्रेड की बात आएगी तो थ्रेड के साथ ये तीनों कंडीशन हमेशा आपको दी हुई रहेगी। जेई में हमेशा लाइट थ्रेड ही सिलेबस में है, फ्लेक्सिबल थ्रेड ही सिलेबस में है, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ही सिलेबस में है। ये कंडीशन हमेशा ही हर थ्रेड के साथ में दे दी जाती है। इसका एक एंड तो फिक्स है और दूसरा एंड एक पार्टिकल से बंधा हुआ है और यह पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यह पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकेगा? जैसे रॉड के साथ हमने जब रिजिड रॉड ली थी तो वह रिजिड रॉड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकती थी वर्टिकल प्लेन में भी। यूनिफॉर्म रॉड का वर्टिकल प्लेन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, मगर थ्रेड से बंधे हुए इस पार्टिकल का वर्टिकल प्लेन में कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। द इंटरेस्टिंग सिचुएशन इज, यह पार्टिकल जब बॉटम पॉइंट पर होएगा तो इसकी वेलोसिटी एकदम से काफी अधिक हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी काफी अधिक हो जाएगी, मगर जब यह घूमता हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी मिनिमम हो जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। फिर वापस जब यह दोबारा इधर आएगा तो फिर वापस वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट इस पार्टिकल की अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी। इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। हम कहते हैं बॉटम पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह सकते हैं और सारी सारी एनर्जी इसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, मगर जैसे जैसे यह ऊपर जाएगा इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की कम होते जाने से इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम होगी और इस तरह से हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्योंकि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे इट वुड बी ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स Always a non-uniform circular motion in this case, in this situation. अब जो मेरा सवाल है,
can you tell me the minimum velocity of the particle at topmost and the bottom most point? Tell me minimum velocity of the particle at the topmost and bottommost point. सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी बताइए जिससे कि यह पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर सके. तीन से चार मिनट सोचने के लिए आपको देता हूं, फिर समझाना चालू करूं. पता ना, चलिए इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं. इनफैक्ट इस प्रॉब्लम में सर्कुलर मोशन का तो कंसेप्ट अप्लाई हो ही रहा है, साथ में इधर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी इधर अप्लाई होगा. सबसे पहले लिमिटिंग सिचुएशन, लिमिटिंग कंडीशन बनेगी कहां पर? लिमिटिंग कंडीशन बॉटम पॉइंट पर नहीं बनेगी. बॉटम पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में कोई समस्या नहीं है. लिमिटिंग सिचुएशन बनेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर. सबसे पहले हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करना ज्यादा कंफर्टेबल मानेंगे. विल वर्क इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन. हम पार्टिकल के ही सर्कुलर मोशन के नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करेंगे. अब हम कहते हैं most point the strain must not slack. topmost point पर जब यह पार्टिकल पहुंचेगा और स्ट्रिंग की यह सिचुएशन होगी और यह पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सिचुएशन में स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होना चाहिए. यदि स्ट्रिंग स्लैक हो गई, इन दैट केस वहां सर्कुलर मोशन हो नहीं पाई. ये स्ट्रिंग को बिल्कुल तनी हुई रहना चाहिए. Means tension in the string must be greater than equal to zero. इस point पर string में जो tension है उसको greater than equal to zero होना चाहिए. मान लीजिए इस point पर velocity v है. इस point पर velocity v है तो v वेलोसिटी पर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा. वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होगा. अब इधर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है उसे मैं क्या लिखूं? मैं एमवी स्क्वायर बाय आर लिखूं या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखूं?
या एम वी ओमेगा लिखूं। मैं एम वी ओमेगा तो कभी लिखते नहीं, या तो मुझे जनरली लिखते हैं हम एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, और सिचुएशन को देखकर लिखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है इस बात को देखकर लिखते हैं। हमसे पूछा गया है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम पॉइंट। हमसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर और बॉटम पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है, क्योंकि बातचीत वेलोसिटी के टर्म्स में चल रही है, इसलिए मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहिए। मुझे लिख देना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय एल, आर एस एल हियर द रेडियस, हियर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टॉप मोस्ट अपवर्ड डायरेक्शन टॉप मोस्ट पॉइंट, और एक एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम चाहते हैं कि वहां पर स्ट्रिंग हमेशा तनी हुई रहे। स्ट्रिंग तनी हुई तब रहेगी जब उस पर टेंशन लगता रहेगा, यह टेंशन, एंड दिस टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। एम वी स्क्वायर बाय एल, फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप दिस टेंशन वुड बी जीरो। लिमिटिंग सिचुएशन में यह टेंशन जीरो हो सकता है फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। तो मैं कहूंगा एमवी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी, दिस थिंग मस्ट बी जीरो, और वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू जी एल, और दिस मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप वुड बी अंडर रूट ऑफ जी एल। उस स्ट्रिंग की टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी that should be under root gl, or you can say the velocity should be greater than equal to under root of gl at topmost point, at the top, up करता हूं एट द बॉटम की। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v नॉट। अब हम कहते हैं जब यह पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको रेफरेंस बना लू, दिस हियर द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ एनर्जी स्क्वायर, वाइल हियर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एन v not square।
टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वी है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वी नॉट है। तो इधर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, इधर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसे मैं यदि रेफरेंस बना दूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इधर फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी ऊंचाई पर है, एल प्लस एल, 2L की ऊंचाई पर है, एम जी इंटू 2L, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। इस पॉइंट पर यदि मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहा, मतलब इस पॉइंट को यदि रेफरेंस बना दिया, इस पॉइंट को रेफरेंस बनाने के बाद इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, L प्लस L, 2L, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज 2L एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एम जी एच, एच की जगह 2L। अब हम कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। इनिशियली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो फाइनली टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी टू एम जी एम, फाइनल एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। स्क्वायर प्लस 2GL इज इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर। अब मिनिमम एनर्जी एट द बॉटम निकालने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी की कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ इधर लिखता हूं मैं, हाफ ऑफ वी स्क्वायर की जगह जीएल प्लस टू जीएल इक्वल टू हाफ ऑफ वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू फाइव जीएल और वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव जीएल। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम। हम कहते हैं बॉटम पॉइंट पर यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट फाइव जी एल। सबसे नीचे यदि वेलोसिटी अंडर रूट टू फाइव अंडर रूट ऑफ फाइव जी एल होगा तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। नाउ दिस सिचुएशन इज अ वेरी मच प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप बड़ी प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जो हम वो जो पतंग उड़ाते हैं पतंग के मौसम में, जनरली हम वो क्या बनाते हैं, लिंगर, लिंगर वी कॉल इट, एक जो हमारी डोर होती है मंजा होता है उससे हम एक पत्थर बांध देते हैं और फिर उसको वैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। हमको उसको मिनिमम वेलोसिटी देके जब उसको हम घुमाएंगे तो हम सक्सेसफुल इसको घुमाते हैं। यदि उसकी वेलोसिटी बॉटम पॉइंट से इससे कम हो जाए तो पूरी तरह से सर्कुलर मोशन नहीं कर पाते। बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट फाइव जी एल से ज्यादा होना चाहिए और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट जी एल से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी
तब भी वहां पर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, और बॉटम पॉइंट पर इससे कम वेलोसिटी हुई तब भी वहां पर पूरी तरह से सर्कुलर मोशन नहीं होगा। पूरी तरह से सर्कुलर मोशन होने के बजाय ऐसी कंडीशन में पार्टिकल यहां तक जाएगा और इस तरह से कुछ चला जाएगा और इधर धागा स्लैक कर जाएगा यदि वेलोसिटी इससे कम हुई तो। एंड विद दैट दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंप्लीट थ्योरी पोर्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी के साथ सर्कुलर मोशन का थ्योरी पोर्शन पूरा पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा पूरा फिनिश हुआ। मैंने सर्कुलर मोशन के सारे सारे कंसेप्ट अब आपको समझा दिए हैं। मैंने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स समझा दिया है, सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स समझा दिया है, सर्कुलर मोशन में इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम समझा दिया है, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब और कैसे लगाना यह बात बता दी है, और मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन द केस ऑफ रिजिड रॉड द केस ऑफ हेड वह बात बता दी। देखिए सिर्फ थ्योरी सुन लेने से काम नहीं होता है। अंटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द स्टडी पैकेज, जो मैंने आपको स्टडी पैकेज दिया है उसमें से कम 30-40 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर कीजिए इन सभी कंसेप्ट को समझने के लिए, इनके एप्लीकेशन को समझने के लिए, तभी जाके आप सर्कुलर मोशन को परफेक्टली समझ पाओगे। आप जब 30-40 सवाल करोगे तो आपको ढेर सारे डाउट्स आएंगे, ढेर सारी क्यूरीज आएंगी। विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्यूरीज इन द कमिंग लेक्चर्स। मैं आने वाले लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा, क्यूरी सॉल्व करूंगा, मगर उसके लिए आपको स्टडी पैकेज को करना बहुत जरूरी है। जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना आपसे बन रहा है, कितना आपसे नहीं बन रहा है। जो बन जाए बहुत अच्छा, जो नहीं बने उनको आप मार्क कीजिए और क्लास में लेकर आइए। विल डिस्कस योर डाउट्स। आगे की जो कंसेप्ट है वो डाउट्स के